और 7 चरणों में बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे, जिसके लिए सभी सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है। सीटों का बंटवारा भी हो रहा है। वहीं एनडीए में जो सीटों का बंटवारा हुआ है उससे चिराग पासवान तो खुश है, लेकिन उनके चाचा पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कितनी सीटों को लेकर के कहां पर कितनी बात हुई है, पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। जेडीयू को 2019 के मुकाबले एक सीट कम मिली है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी 17 सीटों पर और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली हैं, वहीं मांझी और कुशवाहा को एक एक सीट दी गई है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। वहीं चिराग पासवान 5 सीटें मिलने से काफी खुश हैं और बिहार में 40 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। गंगा में से काफी पानी अब बह चुका है, परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। एक बात वो अक्सर कहते हैं, मैं मानता हूं कि हकीकत भी वही है, व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है। और आज समय ने अपनी ताकत दिखाई, समय ने न्याय किया और जस्टिस प्रिवेल किया। एक भी सीट नहीं मिलने से चिराग पासवान के चाचा नाराज बताए जा रहे हैं। खबर है कि आज 11:30 बजे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस अपने आवास पर मीडिया को संबोधित करेंगे। चर्चा है कि वो मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार जीत हासिल की थी। एनडीए ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि महागठबंधन के खाते में केवल एक किशनगंज की सीट थी, कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी।